जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आज हम आपको राजनीति से हटकर कुछ अलग बताने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी फील्ड में अगर बात करूं तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, साथ में रोजगार मुहैया भी करवा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू वहां की यूथ को जो है वो रोजगार भी दे रहे हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी लोगों की मदद जो है वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर को अगर विकसित होना है तो टूरिज्म एक ऐसा पहलू है, अगर उसमें जम्मू कश्मीर डेवलप होगा तो आने वाले दिनों में वहां की आवाम को, यहां की आवाम को जो है वो अवसर भी प्रदान होंगे। और पंचहरी एक ऐसा क्षेत्र है, अगर उसे विकसित, अभी उसे हाल ही में बहुत विकसित किया जा रहा है और वहां पर हर एक तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो पहुंचाई जा रही है। ये शख्स जो है वो कनेक्टिविटी पहुंचाने में एक जरिया बने हैं सरकार और लोगों के बीच में। मैं बात कर रहा हूं एजाज भट्ट जी की, वो आज हमारे बीच में हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, वहां के लोग जो हैं वो इन्हें आज जानते हैं कि ये उनकी मदद भी कर रहे हैं, और ये किस तरीके से वहां पे लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी कंपनी वहां काम कर रही है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी यहां पर डेवलप होते हुए देख रहे हैं पंचहरी को, सीधी बातचीत में इन्हीं से करूंगा। एजाज जी, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। थैंक यू वेरी मच। एजाज जी, सबसे पहले तो शुरुआत मैं यही से करूंगा कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट जैसा आप काम कर रहे हैं तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, और आज अगर पंचहरी की बात की जा रही है तो एज ए टूरिज्म के लिहाज से उसे देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में टूरिज्म प्लेस बनने जा रहा है पंचहरी, और वहां पर जो कनेक्टिविटी है चाहे वो रोड की है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी बिजली भी वहां पर पहुंची होगी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और शुरुआत कैरियर की कहाँ से हुई सर? एक्चुअली आई हैव बीन इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिंस 2008। तो जो जम्मू साइड में हमने काम शुरू किए ये 2010 से शुरू किए, तो इस वक्त जो जम्मू के ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम चल रहा है, तो हमारा हमेशा यही प्रायोरिटी रहा है कि लोकल यूथ को हम ज़्यादा अडॉप्ट करें अपने काम, जो भी हमारे काम होते हैं, खासकर जो स्किल्ड लेबर हम आउटसाइड स्टेट से लेते थे, बिहार से, यूपी से, या जो भी कोई नेबरिंग स्टेट है इसके, हिमाचल से आते थे या बाकी जगहों से आते थे, या यहाँ के जो अनस्किल लेबर बाकी जगह काम करने जाते थे बाहर, तो हमने खासकर जो ये कोविड का जो पेंडेमिक जो बीच में जो ये शुरू हुआ था उसमें जो यहाँ के यूथ बाहर जाते थे काम करने के लिए और उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं था यहाँ काम करने के लिए, हमने उनको ही प्रायोरिटी दी, उनको लगाया, और उसमें जो लोग इंटरेस्टेड थे स्किल सीखने में, जबकि नॉर्मल लेबर जो है इसका होता है नॉर्मली 7-8 हज़ार या 9 हज़ार या 10 हज़ार हायर साइड, जितने वो वेजेस लगाएगा, जितने दिन लगाएगा उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, भाई इतने पैसे आपके हुए, जबकि सेम जगह पे अगर हम स्किल लेबर लेंगे वो 20-25 हज़ार रुपये, मतलब वो अगर जस्ट इंटरेस्ट दिखाए कि वो कोई स्किल अडॉप्ट करे, तो हमने यही जहन में हमेशा रखा और इनक्रेज करते हैं लोकल यूथ को, जो जहाँ पर भी फार फ्लंग या रूरल एरियाज में हम काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये कोई स्किल सीखे, और जहाँ पे ये 8 या 10 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं उसकी जगह ये 25 हज़ार या 30 हज़ार, या ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ही काम करें, कल ये कहीं और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं उनके स्किल के बेस पे, और ओबियसली उनको फिर गवर्नमेंट नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ पे क्लास फोर्थ की नौकरी के लिए कोई पोस्ट निकलता है तो लाखों एप्लीकेशन उसके लिए होते हैं, उसके बावजूद अगर कोई स्किल सीखता है तो उसका 25-30 हज़ार या ओवर टाइम मिला के 40 हज़ार रुपये महीने का बन जाता है, तो उसको फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी लाइन में लगने की। एजाजी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी कंपनी B&L जो है वो कई सालों से काम कर रही है, और जैसे आपने कहा कि 10 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू की अगर बात करूँ तो आप काम कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को काम करने का मौका दे रहे हैं, वो अगर एज ए स्किल इसको सीखना चाहते हैं तो अपने अच्छे पैसे जो है वो भी कमा सकते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सड़क एक कनेक्टिविटी दे रहे हैं वहाँ के लोगों को, पंचहरी की अगर बात करूँ तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले तो कनेक्टिविटी थी नहीं वहाँ पे, जब आप वहाँ गए, विजिट किया आपकी कंपनी ने, आपके इंजीनियर्स वहाँ पहुँचे, क्या चीज़ देखी आपने कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहाँ की जो आवाम है, जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने किस तरीके से सहयोग जो है वो आपका किया? सबसे पहले जो एरिया है, जो पंचहरी, पर्टिकुलर पंचहरी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ लिमिटेड सीज़न होता है,
वहाँ वो ऐसा एरिया है जहाँ बरसात भी आती है और वो वहाँ बर्फबारी भी होती है, तो वहाँ वर्किंग टाइम बड़ा लिमिटेड है। आई थिंक 5 to 6 months ही वर्किंग सीजन होता है। और टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, जगह बहुत खूबसूरत है, डेवलप हो सकती है, मगर उस चीज़ में वहाँ के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी आए, कोई इन्वेस्टर आए। जबकि देखिए यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, जबकि अगर कोई भी बंदा जाना चाहे किसी जैसे पंचायती की बात कर रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ अच्छा होटल अगर आपको मिलेगा तभी आप वहाँ नाइट को रुकोगे। यहाँ से जबकि अगर वहाँ इस साल मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ अगस्त में, वहाँ वीकेंड पे आती थी 300-400 गाड़ियाँ आती थी जम्मू से या उधमपुर से या नेबरिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से आते थे, तो उसमें से 15-20 या 30 लोगों का खाली वहाँ नाइट का जो स्टे कर सकते हैं, बाकी लोग वापस आते हैं। बट लोग चला नहीं जाते हैं कहीं घूमने के लिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ब्यूटीफुल कोई भी जगह कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, खुले आसमान के नीचे तो कोई रहेगा नहीं, उसको तो वहाँ रूम चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, खाना चाहिए। तो इन्वेस्टर तभी आएंगे उस जगह पर और काम डेवलपमेंट भी तभी प्रॉपरली हो पाएगी जब वहाँ लोकल सपोर्ट मिले, लोकल कोऑपरेशन मिले। अब खाली पीली लोग वहाँ पॉलिटिक्स करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई डेवलपमेंट होनी नहीं है। जबकि अभी इतने सालों से जब वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इस वक्त गवर्नमेंट इसमें बड़ा पर्टिकुलर है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म विलेज हो या फंडिंग ऑफ रोड्स हो या जो बाकी चीज़ों में वहाँ ध्यान दे रही है इस वक्त गवर्नमेंट, तो लोगों को उसमें बड़ा वेलकम करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, हमने वहाँ के लोगों से ये भी सुना है कि वहाँ पर क्रशर जो है वो आपने वहाँ पर बिल्डअप किया है, क्या चीज़ देख सोची आपने उस समय की कि यहीं पे क्रशर लगना चाहिए, वहाँ पे ही मटेरियल हमें जो है रॉ मटेरियल वहीं से मिल रहा है, वहीं पे बनाएंगे, वहीं पे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि बड़े सारे पैरामीटर्स रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं, अगर हमें लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बड़ा कुछ रहता है, तो ये भी जो आपने अलग चीज़ वहाँ पे करी इसमें किस तरीके से आपने देखा? ये एक्चुअली जब हमने वहाँ पे रोड कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हमारे पास ऑलमोस्ट वहाँ पे 70 किलोमीटर्स है रोड कंस्ट्रक्ट जो कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसमें जो मेन जो मटेरियल यूज़ होना है दैट वाज सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट तो बाहर से ही आता है या जो TMT सरिया है बाकी जो, वो तो बाहर से ही आने हैं, बट जो मेन जो कंपोनेंट उसमें लगना था वो एग्रीगेट था, सैंड था। तो उसमें हमने क्या किया, जबकि वहाँ पे हम पहले जो रोड कटिंग करते थे हम रोड्स में, तो वहाँ हमेशा लोगों की ये कंप्लेंट आती थी कॉन्ट्रैक्टर अपने वो कटाई करते हैं, एक्सक्यूशन करते हैं और यही मटेरियल हमारे खेतों में डालते हैं, स्ट्रक्चर डैमेज होते थे या बाकी चीज़ें या कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होता था। तो हमने यही किया कि जबकि एक मटेरियल बड़ा महंगा पहुंचता था वहाँ पे और उसके अलावा मटेरियल अवेलेबल भी नहीं था मार्केट में कहीं पे, तो उसके बाद जो हमें जो अलाट हार्ड रॉक क्वांटिटी थी वही हमने वहाँ पे क्रशर लगाया, हॉट मिक्स प्लांट लगाया, सिर्फ इसलिए कि उस चीज़ से कि ये अगर हम मटेरियल अपना वहाँ निकाल पाएंगे तो हम क्वालिटी रोड दे पाएंगे, क्वालिटी वर्क कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हमने ये भी सोचा कि अगर वहाँ उसमें 50 या 60 या 70 लोग काम करेंगे तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि लोकल यूथ उसमें इन्वॉल्व हो जाए ताकि उनको भी एक जॉब का जरिया भी मिल जाए और वो जो मटेरियल हम वहाँ बनाएंगे वो उसी एरिया में ही लगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम आए, वहाँ के रोड से बिल्ट हो जाए। उससे जो यूथ है लोकल, जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, तो वहाँ की जो लोकल यूथ रहती है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है कि हाँ ठीक है हमें भी रोजगार मिल रहा है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी फैमिलीज किस तरीके से लेती हैं, या फिर कहीं होते हैं बीच में शारीरिक तत्व जो चाहते नहीं है कि किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीच में रोड़ा बनकर सामने आ जाते हैं, ऐसा कभी कुछ देखने को मिला? देखिए आप किसी भी इलाके में जब जाते हैं वहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बट एट द एंड ऑफ डे जो एज मतलब कंपनी में बात करता हूँ या जो हमने मैनेज करना होता है, हमने ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है और सॉल्व भी करनी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वी हैव टू मतलब प्रोग्रेस में हमें प्रोग्रेस दिखाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो प्रोग्रेस आनी चाहिए। तो बाकी जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल मतलब जो भी लोग वहाँ रहते हैं, मैक्सिमम लोग आप देखोगे बहुत अच्छे लोग हैं, बट उसमें कुछ बहुत कम होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं देखने को मिले, अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है बहुत अच्छे लोग हैं, वो सपोर्टिव है। जी,
एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं लोकल जूथ को सपोर्ट करता हूँ, स्किल्ड की अगर बात करें तो बड़े सारे जूथ ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा हुआ है, सिविल में डिग्रीज करके रखी हुई हैं, क्या उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मुहैया करवाई जाती हैं आपकी कंपनी के थ्रू कि आप भी वहाँ पर आएँ, आप भी अवसर ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और अपना रोज़गार जो है वो चला सकते हैं? जो हमें जो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम जो न्यूज़पेपर है या ऑनलाइन उसके निकालते हैं हम ओपनिंग, तो प्रॉपरली उसमें एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो हमने अभी तक जो है जो डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर की आप बात करते हैं, 30 से 40 लड़के अभी तक हमने अपनी कंपनी में लिए हैं जो हमारे पेरोल पे इस वक्त चलते हैं, लोकल जे एंड के ही रहने वाले हैं। हाँ जी, तो उसमें हम जो फर्दर जो है और एक्सपेंशन करना चाहते हैं कंपनी में, तो ऑब्वियसली डे बाई डे हम ग्रोथ करते रहेंगे, वो भी ग्रोथ करते रहेंगे और हमें फर्दर और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और लड़के लगाते रहेंगे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये बात पूछना चाहूँगा क्योंकि आप जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं, तो सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर वाकई में जो है वो प्रतिबद्ध है कि जो कहा था कि टूरिज्म के लिहाजा से इसे प्रमोट करना है, आपको लगता है कि उस तरीके से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराने में सहायता जो है आपको भी मिल रही है, ऊपर से निर्देश आ रहे हैं कि इस तरीके से जैसे टूरिज्म के लिहाजा से देखा जाए पंचायरी को डेवलप किया जा रहा है, ऐसे और डिस्ट्रिक्टों में भी आप काम कर रहे हैं, तो सरकार जो कहा गया था उस पर काम कर रही है वो दिख रहा है कहीं रोड पर होता हुआ? हाँ, ऑब्वियसली जो इस वक्त फंड्स का फ्लो है या आप नेशनल हाईवेज भी देख सकते हैं, इनमें बड़ा एक्सपेंशन भी हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे उनको नेशनल हाईवे स्टेटस दिया जा रहा है, ऑब्वियसली ग्रास रूट पे भी काम हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी भी है। तो ये तो रातों रात तो होगा नहीं, पिछले 2 साल से तो हालात आपको पता ही है, कोविड का जो चल रहा था उसमें लेबर अवेलेबल नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, तो बहुत से इश्यूज है, प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम आई, मटेरियल में प्रॉब्लम्स आई। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है या खुल कुछ एरियाज में काम अच्छा चल रहा है, बट जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा, बट इसमें टाइम लगता है। अब 1 साल लगे कुछ प्रोजेक्ट्स में, 1 साल लगे इसमें, 2 लगे किसी में, 3 लगेगा, बट आप आसपास देख सकते हो चेंज तो देखने को मिलती है। एक चीज़ जानना चाहूँगा पंचायरी से रिलेटेड ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की बात करूँ तो दूर दराज जाना पड़ता है, उनको चलकर काफ़ी मीलों तक आना पड़ता है, फिर जाकर उनको इलाज जो है वो सुविधा मिलती है। सुनने में ये भी आया है कि आप वहाँ पर कई बार जब कन्वीनियंट नहीं था पहले भी, तो तब भी आप अपनी गाड़ी जो थी वो दे देते थे कि आप ले जाइए अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो इमरजेंसी में, तो एज ए सोशल भी लोग जो है आपको उस तरीके से प्यार से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एज ए अपना ही कोई होता है जो किसी को इस तरीके से जब इसको मेडिकल एड की जरूरत होती है तो वो उनके बीच में जाके बोलता है कि नहीं आपको जरूरत है तो आप ले जा लेके पर्सनल व्हीकल देते हैं कि आप जाइए, इसे आप किस तरीके से? ऑब्वियसली हमें उन चीज़ों में हम कभी पीछे नहीं रहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मतलब हमारी ज़रूरत के अगर किसी को आए या जो भी है, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो कोविड में कोई मसला हुआ था हमें उसमें भी हम आगे आए, सबसे आगे आए। तो मगर जो है ये कि मतलब हम चाहते हैं हमेशा जो भी ये एक्टिविटीज़ हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, तो उनमें हम हमेशा पॉजिटिवली आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया और खास बातचीत करने का मौका दिया, क्योंकि आपसे बातचीत करना काफ़ी अहम हो गया था, क्योंकि पंचायरी की जहाँ बात आ रही है तो टूरिज्म के लिहाजा से उसे देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में पंचायरी जम्मू का एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बनने जा रहा है। या ऑफकोर्स उसमें है, उतना पोटेंशियल है पंचायरी में कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो बट उसमें वही मैं फिर से रिपीट करूंगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसमें अगर जो चाहे जम्मू के लोग हो या उधमपुर के लोग हो, वो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे अभी कैंपिंग साइट्स होती है या होटल होटल आप देखोगे जहाँ, जैसे आप अगर कहीं जाओगे वहाँ एक होटल है वहाँ टोटल पूरे पंचायरी एरिया में, जबकि वहाँ ऐसी अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए, वहाँ पुराने मंदिर है वहाँ पे आप देख सकते हो जो जंगल है वहाँ का, देवदार का जंगल है, और टेम्परेचर में आप नीचे जब उधमपुर से ऊपर जाते हो
कम से कम 6 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। अगर नीचे आपको 36 डिग्री है, उतर जाओगे 28 से 30 डिग्री होगा। और अच्छी हवा है, सिर्फ अब यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो मतलब होटल्स में कोई इन्वेस्ट करे, रेस्टोरेंट्स में कोई इन्वेस्ट करे, कैंपिंग साइट्स में कोई इन्वेस्टमेंट करे, या फर्दर जो उसके अलावा वहाँ जो टूरिस्ट को फैसिलिटीज चाहिए, जैसे ट्रैकिंग पे जाते हैं या हाइकिंग पे जाते हैं, उसमें कोई इन्वेस्ट करे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली टूरिज्म वहाँ का बूस्ट हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ एजाज भट्ट जी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसे भी रन कर रहे हैं, और लॉकडाउन के समय में भी सामने आए थे, उस समय भी एज ए सोशल वर्क किया था, और अभी भी एक किस्म का लोकल यूथ को इन्वॉल्व कर और वहाँ के यूथ को रोजगार देना, ये काम ये कर रहे हैं, और वहाँ के यूथ भी काफी सपोर्टिव दिख रहा है। पंचायरी की खासकर बातचीत करूंगा क्योंकि इंटरव्यू करने का जरिया भी यही था, क्योंकि पंचायरी को आने वाले दिनों में एज ए टूरिज्म के लिहाज से देखा जा रहा है और एक टूरिस्ट स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो एजाज जी की बात करें तो इनकी कंपनी जो है वहां के लोगों को रोड कनेक्टिविटी दे रही है, उस कनेक्टिविटी के बाद वहां के लोगों को कितना फायदा होगा, कितना रोजगार मिलेगा, और जम्मू के इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं, इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ने जा रहा है। आज की खास मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ थी, आपको किस तरीके से लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जुड़े रखिएगा। बाकी तमाम रेस के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर, अजय डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।